भारतीय हुक्मरान जमात के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही जमात की इलेक्शन पॉलिसी को बेनकाब करते हुए वजीर आजम मोदी को मशवरा दिया कि हिंदुत्व को मजीद फैलाएं, क्योंकि इसी से हमें आइंदा इंतखाबात में कामयाबी मिल सकती है। माजी के बरअक्स 2014 के इंतखाबात में हमने हिंदुओं को जोड़ा और मुसलमानों को तोड़ा, इसलिए तो हमें इंतखाबात में कामयाबी मिली। गुड गवर्नेंस और कारकर्दगी वगैरह सब कहने की बातें हैं, हम इस पर इंतखाबात नहीं जीते थे। भारतीय टीवी से बातचीत करते हुए जेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हमारी हुकूमत को हिंदुत्व को मजीद फैलाना और उजागर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज तक हिंदुस्तान की 70 साल सियासत में हिंदुओं को जातों, मजहब और जुबानों में बांटा जा रहा है। हिंदुओं को अलग करके अकलियतों को जोड़ा जाता रहा, मगर माजी के बरअक्स 2014 के इंतखाबात में हमने हिंदुओं को इकट्ठा किया और मुसलमानों को मुसलमानों से अलग किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में हमने पहले शिया और बोहरा बरादरी को मुसलमानों के वोट बैंक से अलग किया, बिलखसूस सुन्नी ग्रुप को मुसलमानों के वोट बैंक में तन्हा कर दिया, जिसके बाद हमें इंतखाबात में कामयाबी मिली। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस और कारकर्दगी वगैरह सब कहने की बातें हैं, हम इस पर इंतखाबात नहीं जीते थे।